कैसे हो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, शब्द परिचय 2। इसमें हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। पहले मैंने आपको पुल्लिंग के बारे में बताया था। पुल्लिंग में हमने एषा के साथ विसर्ग का प्रयोग किया था और स्त्रीलिंग में विसर्ग का प्रयोग नहीं करते, आ की मात्रा आती है। एषा का मतलब यह क्या है, एषा दोला यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति झूला बगीचे में है। इसमें ध्यान योग्य ये बात है, अस्ति यहाँ आया है, अस्ति का मतलब होता है यानी एक वचन। जब कोई एक होगा तो वहाँ पर अस्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उपवन लिखा है, उपवन का मतलब बगीचा होता है, एक ही मात्रा आने की वजह से ये बगीचे में है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समय सूचयति घड़ी समय सूचित करती है। सूचित करती है या बताती है, बात एक ही होता है, क्योंकि घड़ी हमें मुंह से नहीं बोलती, इसलिए से सूचित करते हैं कहते हैं। सा का मतलब यहाँ वह है, या विसर्ग का प्रयोग किया नहीं गया। अगर विसर्ग होता सा के साथ तो वो पुल्लिंग हो जाता, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर सा के साथ आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगला आ रहा है एते के, एते ये दो कौन है, किम एते कोकिले क्या ये दोनों कोयल हैं, ना एते चटके नहीं ये दोनों गोरेया हैं, चटके किम कुरता गोरेया क्या करती हैं, एते विहरता ये दोनों क्या है फुदक रही हैं, चिड़िया ये गोरेया क्या कर रही हैं, गोरेया क्या कर रही हैं फुदक रही हैं। विहरता का मतलब होता है फुदकना, कुर्ता का मतलब क्या कर रही हैं। ते के वे सब क्या, वे दोनों कौन हैं, ते चालिकेस्ता वे दोनों महिला चालक हैं, जो गाड़ी चला रही हैं वो क्या है महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरता वे क्या कर रही हैं, ते वाहनम चाल्यता वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। एता का ये सब क्या हैं, एता स्थालिका ये सब थालियां हैं, किम एता गोलकारा क्या ये सब गोल हैं, आम हाँ एता गोलकारा एव हाँ ये गोल ही हैं, एव का मतलब होता है ही, गोलकारा का मतलब गोल, आम का मतलब हाँ होता है। ता का मतलब होता है वह कौन है या वे सब कौन है, ता अजा वे सब बकरियां हैं, ता किम कुर्वंती वे सब क्या कर रही हैं, ता चरंती वे सब चर रही हैं, क्या चर रही हैं वो घास चर रही हैं। एता का मतलब ये सब, तह का मतलब वे सब। यहाँ पर आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग किया गया है बहुवचन में, चाहे यह हो चाहे वह हो, आ के साथ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और अगर यही एक वचन होता तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ये संस्कृत की पहचान होती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।